भोजन खाने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। मेरे मेमनों को चरा। यीशु ने दूसरी बार उससे कहा, शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तीसरी बार यीशु ने कहा, शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? तो पतरस ने कहा, हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरे तेरी कमर बांधकर जहां तू न चाहेगा वहां तुझे ले जाएंगे। यीशु ने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। तब यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रीति रखता था, जिसने भोजन के समय यीशु की छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने पूछा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या? तू मेरे पीछे हो ले। इसलिए भाइयों में ये बात फैल गई कि वो चेला न मरेगा। तो भी यीशु ने उससे ये नहीं कहा कि वो न मरेगा, परंतु ये कि यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या। यही वो चेला है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इन बातों को लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी न समातीं।